तो गाइस तुम्हारा भाई लेके आ चुका है एक और ब्रांड न्यू वीडियो, और ये वाली वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत मतलब एक चेतावनी देना चाहता हूँ, आपको सावधान करना चाहता हूँ कि आप इन सब चीज़ों से बच जाइए तो आपकी पबजी आईडी हैक नहीं होगी। और ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, और हैकर जो है आपकी आईडी हैक करके बेच देता है उसे 1,000, 2,000, 3,000 में, 4,000 में, जैसे आपकी इन्वेंट्री रहेगी, जैसे आपका कलेक्शन रहेगा वैसे आपकी आईडी बेची जाएगी। तो अभी मैं आपकी आईडी सेव करने के लिए आया हूँ ये वीडियो लेके, और इसमें मैं आपको एक प्रूफ भी दूंगा कि कैसे आप अपनी आईडी को सेव कर सकते हो। जैसा कि मैं बता दूँ कि आप सभी लोगों का जिन भाइयों का चैनल मोनेटाइज हो गया है यूट्यूब के ऊपर, उन पे एक इस तरफ से ऐड आता है इस तरह से कि पबजी इंडियन वर्जन जो है लॉन्च हो गया है, आप उस पर शिफ्ट कर दीजिए, आप उस पर लिंक कर दीजिए, आप उस पर क्लिक कर दीजिए, तो आपकी आईडी जो है ग्लोबल वर्जन से इंडियन वर्जन में लिंक हो जाएगी। तो आपकी आईडी बैन मतलब पबजी बैन नहीं हुआ है और इंडियन वर्जन पर आ जाओगे आप, ऐसा बोला जाता है, ऐसा शिफ्ट हो जाओगे आप। तो वही मैं क्लियर करने आया हूँ, तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि हैकर जो है जो YouTube पे हैक करता है, YouTube चैनल हैक करता है, PUBG ID हैक करता है, वो क्या करता है कि AdSense अकाउंट से जो है कोई भी अपनी वीडियो प्रमोट करा सकता है, मैं भी अपनी वीडियो प्रमोट करा सकता हूँ AdSense से, तो वो वही करता है। और आप जैसे उस पर क्लिक करते हो एक लिंक देता है, आप जैसे उस पर क्लिक करते हो कि सोचोगे आपकी मैं इंडियन वर्जन पर शिफ्ट हो जाऊँगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपकी आईडी हैक हो जाएगी, आपके सारा डाटा उसके पास चला जाएगा और वो इजीली आपकी आईडी सेल कर देगा। अब चाहे आपकी जैसी आईडी हो, अगर आपने उस पर ज़्यादा मेहनत किया हुआ है, आपके पास इन्वेंटरी में ज़्यादा चीज़ है और बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आपके पास गन स्किन ज़्यादा है तो जिस हिसाब से आपकी आईडी रहेगी उस हिसाब से जो है आपकी आईडी वो सेल कर देगा और आपकी आईडी हैक हो जाएगी एक तरह से, क्योंकि आपने सारा एक्सेस उसको दे रखा है, पहले से ही आपने दे दिया है इंडियन वर्जन शिफ्ट के नाम पे। तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक जो है इंडियन वर्जन नहीं आया है, तो आप ऐसी गलती मत करिएगा, आप ये इमेज ध्यान से देखिए, कुछ इस तरफ से आपको बोला जाएगा कि आप यहाँ से शिफ्ट हो जाइए इंडियन वर्जन पे, तो आपकी आईडी बैन नहीं होगी। बट आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आप सीधे उसको स्किप करके आगे निकल जाइए और अपनी आईडी को बचा लीजिए। और दूसरा न्यूज़ ये निकल के आया है कि पबजी जो है ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर चुका है, ये चाहे रियल हो या फिर फेक हो ये मैं नहीं जानता, ये मुझे रिसर्च करना पड़ेगा थोड़ा सा, ये थोड़ा इधर उधर खोजना पड़ेगा तो ही पता चलेगा कि क्या रियल है क्या फेक है। तो अभी जो है ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि पबजी मोबाइल ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि वो इंडियन वर्जन पबजी ला रहा है, बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि एक आर्टिकल में निकला है कि पबजी मोबाइल जो है वॉयलेंस क्रिएट करता है, जिससे जो है पबजी मोबाइल इंडिया में अभी तक अनबैन नहीं हुआ है, वो अभी परमानेंट बैन नहीं है बट एंट्रिंग बैन है ये, तो ऐसा ही कुछ है। तो अभी उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।